आम के वंशज कुश 11,000 वर्ष आपने राज किया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू। जय श्री राम दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ दशरथ महल में और हमारी यात्रा चल रही है। अभी हम साइकिल से पहुंच चुके हैं दशरथ महल में और अंदर भी मैं आपको लेकर चल रहा था। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों मैं आपको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ इसलिए ही बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा सब कुछ यूट्यूब से ही चलता है और शायद अगर आपने सपोर्ट ना किया तो मैं यूट्यूब बंद कर दूंगा। और बात करें दोस्तों दशरथ महल की, तो आप यहाँ पर सुबह 7 बजे आरती होती है लेकिन ये 10-12 बजे तक खुलता है, फिर 12 बजे के बाद आपको शाम के 4 बजे से खुलता है रात के 10 बजे तक। और यही वो जगह है जहाँ से राजा दशरथ यानी श्री राम जी के जो पिता थे राजा दशरथ, यहीं से अपनी गद्दी चलाते थे। यही वो महल है, यहीं पर इसको कई बार तोड़ा गया, कई बार इसको बनाया गया। यहाँ के पंडित जी हैं, महाराज जी हैं और इनसे मालूम करेंगे दशरथ महल में है। हाँ, दशरथ महल क्या क्या कहानी है, क्या कैसे बना है? दशरथ महल की कहानी संपूर्ण तो आपको मालूम होगी वाल्मीकि रामायण से। वैसे जो प्रत्यक्ष स्थान ये है, ये तो मालूम है कि राम के वंशज कुश, राम के पुत्र कुश जब लंका उजड़ गई थी अयोध्या, 11,000 वर्ष राम ने राज किया। उसके बाद अयोध्या लगभग कोई भी पुरानी बिल्डिंग रह जाती है तो उनके पुत्र कुश ने इसका नव निर्माण कराया। कुछ कालों उपरांत पुनः जीर्ण हो गई तो महाराज विक्रमादित्य ने, विक्रम संवत चलता है, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया। उसके बाद एक महाराज हुए बाबा राम प्रसाद जी महाराज, उनके द्वारा ये निर्माण हुआ जो इस समय चल रहा है, उन्हें के द्वारा संप्रदाय चलाया हुआ है बिंदु गाद्याचार्य, जिसके हम लोग अनुयायी हैं और ये उन्हीं द्वारा निर्मित है जो मौजूदा काल में चल रहा है आपके सामने। जय श्री राम। तो ये थे महाराज जी, इन्होंने हमें बताया यहाँ के बारे में और अभी हम आपको अंदर के दर्शन कराएंगे। तो अंदर ये हम इस गेट से जब एंट्री करेंगे, ये घंटा है और ये मंदिर का कुछ प्रांगण है आप देख रहे हैं और बिल्कुल महल की तरह ये सजा हुआ है। देखिए रात के समय का यहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता है। दोस्तों सामने हैं आपके राजा दशरथ महल और शाम के समय तो आप यहाँ पर पैर भी रख नहीं सकते, इतनी भीड़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और शाम की वीडियो भी यदि आपने नहीं देखी तो उसको भी आप जाकर ज़रूर देखना और हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सभी को पता है दोस्तों, एक नया रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम के नाम से बनाया गया है जहाँ पर आप देश के किसी भी कोने से आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और एक इंटरनेशनल यानी अब एक चालू भी हो गया है और इसके अलावा भी यहाँ पर एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं दोस्तों। तो अब डायरेक्ट आप अयोध्या में ही एंट्री एयरपोर्ट से यानी एरोप्लेन से, प्राइवेट जेट से या ट्रेन से या बस से या टैक्सी से, किसी भी साधन के रूप में यहाँ पर पहुँच सकते हैं क्योंकि ये एक इंटरनेशनल सिटी बनने जा रही है। इसकी हर एक रोड, हर एक सड़क को बहुत बड़े बड़े शहरों से जोड़ा जा रहा है। फिलहाल आप देख रहे हैं अयोध्या धाम में दशरथ महल और दशरथ महल का ये अंदर का नज़ारा है। फिलहाल इसको कई बार तोड़कर कई बार बनाया गया है। बात करें यहाँ पर दर्शन की तो आप शाम को 4 बजे आएँ और 4 से 10 बजे तक ये मंदिर ओपन रहता है क्योंकि अब ये मंदिर का रूप ले चुका है और ये विश्व विख्यात मंदिर है फिलहाल। और शाम के समय तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर बहुत ही भीड़ रहती है। इसके अलावा यहाँ पर दुनिया के सभी देशों से और भारत के तो सभी राज्यों से यहाँ पर लोग दूर दूर से पहुँच रहे हैं और आस पड़ोस के लोगों का तो क्या ही कहना, सभी यहाँ पर हर 24 घंटे आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास जो थोड़े बड़े पैसे थे जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गया था, और वैसे तो साइकिल यात्रा से मैं यहाँ तक पहुँचा था लेकिन फिर भी मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बताऊं तो दोस्तों जो कुछ मैंने पैसे बचाए हुए थे जिसकी वजह से मैं ट्रैवल वगैरह करता रहता था अब वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अब आगे का पता नहीं सफ़र मेरा कैसा होगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते, सिर्फ शेयर करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों।
क्या नाम है उनका? पृथ्वीराज यादव। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। आते रहते हैं या पहली बार आए? पहली बार नहीं, तीसरी बार। तीसरी बार आए। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। मंदिर बन रहा है जी, उसके बारे में बहुत खुशी मिल रही है। बहुत खुशी मिल रही है। योगी जी मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतने साल बाद मंदिर बन गया। तो ऐसे ही मैं आपको मिलता रहूंगा दोस्तों। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम फिर आपको मिलें।